वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये तस्वीरें देखी आपने, ये तस्वीर है एक मजबूर बाप की जो अपने बच्चों को बेचने निकल पड़ा। बकायदा बच्चों की कीमत भी तय कर दी है उसने और सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने लगा, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिन बच्चों का वो बाप है उनको कंधे पर बिठाकर घुमाता था, आज उसको कंधे पर बिठाकर बेचने निकला है। आखिरकार मजबूरी क्या थी, इस बाप की ऐसी कौन सी मजबूरी होती है, वो भी बताते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमीश शर्मा। ये चौंकाने वाला मामला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। वायरल क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में है, वो भी सड़क पर चिल्ला रहा है, उसके साथ दो बच्चे भी हैं, उनमें से एक तकरीबन 6 साल का है। शख्स चिल्ला रहा है कि वह अपने बच्चों को 50,000 पाकिस्तानी रुपए में बेच देगा। वॉइस वर्ल्ड न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो निसार लशारी का है, जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के घोटकी जिले के जेल विभाग में काम करते हैं। निसार का ये वीडियो अब हर जगह वायरल है कि पाकिस्तान में बैठे नेता अपनी रंग रैलियों में मशगूल है और पुलिस कितनी मजबूर है। ये मजबूरी इसलिए क्योंकि निसार रिश्वत के लिए पैसे नहीं दे पाया। पुलिस कर्मी निसार ने वाइस नाम के एक अखबार को बताया कि मैं बड़ा ही लाचार महसूस कर रहा था। पुलिस कर्मी ने दावा किया कि उसका बॉस छुट्टी देने के बदले रिश्वत मांग रहा था। दरअसल शख्स को अपने बच्चे के इलाज के लिए अवकाश की जरूरत थी। हालांकि जब वो बॉस को रिश्वत नहीं दे सका तो उसे छुट्टी भी नहीं दी गई और उसका तबादला शहर से करीब 120 किलोमीटर दूर लरकाना में कर दिया गया। पुलिसकर्मी ने बताया कि वो इतना गरीब है कि कराची जाकर कारागार महानिरीक्षक से इसकी शिकायत भी नहीं कर सकता। यहाँ के लोग इतने ताकतवर हैं कि आमतौर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उनके सवाल उठाए कि क्या मुझे रिश्वत देनी चाहिए थी या अपने बच्चे के ऑपरेशन का खर्च उठाना था, क्या मुझे लरकाना में काम करना था या फिर अपने बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था। पुलिसकर्मी ने आगे कहा कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ऐसे समय में अपने हालात के अलावा मैं कुछ और नहीं सोच पा रहा था। बाद में देख के वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो गया कि पूरी दुनिया इसे देख रही है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद निसार को फायदा भी मिला। बाद में सीधे सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह तक ये वीडियो पहुंची, उन्होंने मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद निसार घोटकी की जेल में ही नौकरी पर बने रहे, साथ ही उन्हें 14 दिन की छुट्टी भी दी गई ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके और पूरी तरीके से उस चीज को निभा सके। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के मुताबिक घोटकी जेल अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी पुष्टि निसार ने वॉइस वर्ल्ड न्यूज से की है। निसार को तो छुट्टी मिल गई, पर ऐसे कई ज्यादा गरीब लोग होंगे जिनके साथ ऐसी बर्बरता होती है, जो भ्रष्टाचार के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि वो इस तरह की हरकत करने पर मजबूर हो जाते हैं। पर इन सबसे शायद ही इमरान को कोई फर्क पड़ने वाला है। उनको क्या करना है भाई साहब, अपने ताकत पर बैठे रहेंगे, उनकी बेगम उन्हें अंगूर खिलाती रहेंगी, उन्हें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सरकार जैसी थी वैसी ही रहेगी। आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।